समाज पूरे देश के अंदर 36 करोड़ की आबादी में आज भी रहता है और 33 करोड़ की आबादी में भारत की सरकार चलती है। हम सरकार अपनी दावा भी बना सकते हैं। ये दावा करता है हंसराज गोरी इस मंच के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्वाभिमानी लोग और बहते हुए झरने अपना रास्ता स्वयं खोजते हैं। आज बाबा साहब को याद करते हुए, बाबा साहब की बात को मानते हुए कोरी समाज के लोगों ने अपना रास्ता स्वयं चुना, अपना समाज का दल बनाया, फिर समाज की पार्टी बनाने का काम किया और उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ पूरा का मार्ग बंद होता है, कांटों का मार्ग चालू होता है, वहां से हम लोगों ने काम करना चालू कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, कर वलवैया अपनी और छोड़ पढ़ाई यार, और तेरे द्वारे नदिया बहे तू क्यों मरता प्यार। कबीर साहब ने यह भी कहा कि नाव में नदियां बहती जाए, नदी में नाव तो दुनिया ने देखी होगी लेकिन इस देश के अंदर नाव में नदी बह रही है। कम वाले लोग इस देश में राजपाट चला रहे हैं और ज्यादा वाले लोग उनकी गुलामी करने के लिए पाठ करना चाहिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, इसलिए कहा गया है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज पूरे देश के अंदर SC ST की बात एक एक दिल जमा के ऊपर चढ़ के घूर रही है। आने वाले समय के 19 के चुनाव में इनको इस SC ST Act में जो बदलाव करने की सोच भर ली इन्होंने, इनकी सोच को फौरी खत्म करने का काम वोटर पेंशन से वोटर मतपेटी से करने का काम करेंगे। इतनी जोर से आपको बटन दबाना है तो बटन की आवाज बंद ना हो, बटन को इतना दबाना है कि बटन की आवाज दिल्ली के लाल किले और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भी जाके आवाज सुनाई देने का काम करेगा। ये पूरी समाज का काम, पूरी समाज जिंदाबाद, पूरी समाज जिंदाबाद, जनता राज पार्टी जिंदाबाद। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरी समाज जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, पूरी समाज जागेगा, पूरी समाज जागेगा, पूरी समाज जागेगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, पूरे देश की सरकार में अगर हमें अगली बार आपने जो चुनाव कराने का मौका ढूंढा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार पूर्ण पोलिंग के ऊपर इनको वोटर मशीन के अंदर वोट डालने वाले फूट फूल के नहीं मिलेंगे जो उन्होंने खिलौना कट किया है। हमें कुछ समाज को, सहारे लोगों को आज भी मेहनत के बदले मजदूरी मिलने का काम नहीं हो रहा। आज भी लोग मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद मजदूरी मिलने का काम नहीं हो रहा। न लोगों के पास शिक्षा, न चिकित्सा, इतना ही नहीं न आपके पास नौकरी है। संविदा में नौकरी चालू कर दी है, जिस देश के अंदर नौकरी डायरेक्ट होती थी उसमें हम आंदोलन कर सकते थे, हम अपना हक मांग सकते थे, अब उन्होंने संविदा में नौकरियां चालू कर दी है। आज बैकलॉग की भर्ती है उत्तर प्रदेश में बैंक कुमारी मायावती के समय में भरी गई, लेकिन उसके बाद पूरे देश के अंदर बैकलॉग की भर्ती आज भी खाली पड़ी है और आज जब खत्म करने की बात कर रहे हैं, पहले बैकलॉग की भर्ती पूरी कर लेते उसके बाद आरक्षण खत्म करने की बात करते तो ये बात समझ में आती कि आपने गैर बराबरी करी। इसका तो सर्वे करा लो, कम से कम इसका सर्वे तो करा लो कि कितने आरक्षण के पद भर दिए गए हैं, कितने खाली है। बोल रहे तो दोस्तों रात और दिन बोलते रहो, लेकिन मूल बात एक ही है कि कबीर साहब ने जो कहा है कि कर वलवैया अपनी छोड़ पड़ाई यार, तो तेरे द्वारे नदिया बहे तू क्यों मरता प्यार। हम इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में दबे कुचले समाज को अब केवल धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, जाम के नाम पे, जिस नाम पे चाहो उस नाम पे दुनिया के किसी कोने में चले जाना, लेकिन वोट के नाम पे तुम्हे कुचले समाज के नाम पे आ जाना, तुम्हारा शासन होगा, सत्ता होगी और उनको सत्ते के बाहर का रास्ता होगा। इसलिए दोस्तों आज पूरे देश के अंदर SC ST के लिए आपने सुना होगा कुछ